हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज रीना मेला एंड यू आर वाचिंग आमिकस एजुकेशन चैनल। आजकल हम सब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप भी, मैं भी, सब लोग, जितने भी टीचर हैं सब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, सब ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाना। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक ऑनलाइन क्लास इंटरेस्टिंग थ्रू गेम फॉर प्राइमरी किड्स, स्पेशली फॉर प्राइमरी किड्स, क्योंकि बड़े बच्चों का सिलेबस इतना होता है कि हम उनको ही कवर करवाने में लगे रहते हैं, पर छोटे बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेट लेवल है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो हम पूरा टाइम उनको पढ़ाई पढ़ाई नहीं करवा सकते, उन पर बर्डन नहीं दे सकते। अदरवाइज वो टीचर से गुस्सा होने लग जाएंगे कि मैम जब भी आती हैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करवाती हैं। तो हमको उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखना है, इस जो न्यू टेक्निक हम यूज कर रहे हैं स्टडी में, इससे उनको फैमिलियर करना है। तो इसके लिए हमें जो अपने ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेंगी, उसमें कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि बच्चे ये क्लास अटेंड करने के लिए उनको एनकरेजमेंट मिले, वो खुश हों, वो वेट करें कि कब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे गेम्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अप्लाई करके आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस को कुछ हद तक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है उसका, हमारा सबसे पहला जो गेम है वो है आइडेंटिफाई द साउंड। आप कुछ साउंड प्ले कर सकते हैं उनको, अगर आप खुद अपने गले से निकाल सकते हैं कुछ एनिमल्स के साउंड या अदर साउंड, तो वहाँ पे वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आप इसमें ये सब नहीं कर सकते तो आप कुछ साउंड उनके लिए प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर के थ्रू आप उनको बता सकते हैं कुछ साउंड, और फिर उनको बोल सकते हैं कि बताइए ये किस चीज़ का साउंड है। कोई एनिमल्स का साउंड ले सकते हैं आप, लाइक एलिफेंट, हॉर्स, या फिर कोई बर्ड का साउंड ले सकते हैं जो आपने सिलेबस में कवर किया है। तो इसके थ्रू आप उनसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो बच्चा, जितने बच्चे जवाब सही देंगे उनके लिए क्लैप करवाइए, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए कि लाइक सबके थम्स अप दिखाइए, वेल डन, ये जो भी कुछ आप कर सकते हैं उसको एनकरेज करने के लिए आप कीजिए। सेकंड हमारा जो गेम है ब्रिंग मी समथिंग। छोटे बच्चों को हम कलर्स करवाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब करवाते हैं, उसके रिगार्डिंग आप कुछ भी उनको बोल सकते हैं कि मुझे रेड कलर की जितनी भी चीज़ें हैं सब लेके आओ। तो बच्चे फटाफट लेके आएंगे अपने रूम से या अपने घर के अंदर से, जिस कोने से भी येलो कलर की मान लो आप चीज़ें बोल रहे हैं, तो येलो कलर की चीज़ें लाइक फ्रूट्स, टॉयज, ड्रेसेस जो भी हैं सब उठा के लाएंगे, आपको दिखाएंगे। वहाँ पे आप उनकी थिंकिंग स्किल बढ़ रही है, उनको खेल खेल में भी हम सिखा रहे हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल बढ़ रही है, उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है। तो वहाँ पे आप उनके, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर वो काम एक्टिविटी कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, तो वो बहुत ही इंजॉयबल होगा। आप उन्हें फ्रूट लाने को बोल सकते हैं, वेजिटेबल लाने को बोल सकते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहने के या सुनने में ऐसा लगता है नो, बट जब आप इनको करेंगे और बच्चे डेफिनेटली इनको इंजॉय करने वाले हैं। तो थर्ड यहाँ पे जो गेम है वो मेमोरी गेम है। आप बच्चों को हाथ में कुछ होल्ड करके पिक्चर्स दिखा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या फिर स्क्रीन शेयर करके कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हैं छोटे बच्चों को, लाइक शेप्स की, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो भी आपने टॉपिक कवर करवाया उसके रिगार्डिंग पिक्चर दिखा सकते हैं, एनिमल्स। फिर उस पिक्चर को आप हटा लीजिए आफ्टर 30 सेकेंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द पिक्चर। वहाँ पे बच्चे आपको बताएंगे, लाइक आप एग्जाम्पल के लिए पूछ सकते हैं कि कितनी शेप्स थी, कौन कौन सी शेप्स थी, कौन से एनिमल्स आपने पिक्चर में देखे, पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल। तो ये सब क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, बच्चे जवाब देंगे, सबके लिए क्लैप करवाइए। वहाँ पे एक दिन हफ्ते में उनके लिए ऐसा जरूर प्लान कीजिए कि कुछ एक्टिविटी, फनी एक्टिविटी उनके लिए हो। फोर्थ यहाँ पे एक्टिविटी है करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ पे हमको इस एक्टिविटी में, इस गेम में करना क्या है, हम इसको एक्टिविटी बोल सकते हैं, फन एक्टिविटीज, लाइक इस गेम में हमको करना क्या है कि आपको कुछ बोलना है, लाइक एग्जांपल के आई एम शोइंग यू 4 फिंगर, बच्चे बोलेंगे यस, बट आप आई एम शोइंग यू 3 फिंगर, बट यहाँ पे बच्चे बोलेंगे नो। सो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आप बनाइए उनके लिए, लाइक आई एम वेयरिंग रेड कलर्स टूडे,
तो बच्चे बोलेंगे नो, लाइक ऐसे आप दूसरे बच्चों से कि वरुण ने ये पहना है, लाइक ध्यानेश्वरी ने ये पहना है, आप ऐसे सवाल उनसे पूछ सकते हैं, बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। कई बार जानबूझ के गलत जवाब दीजिए, आप पिक्चर मैंगो की दिखाइए, बोलिए उसको एप्पल, लाइक ऐसा कुछ गेम इंटरेस्टिंग कीजिए जिसमें आप गलत बोलें और बच्चे आपको करेक्ट करें। जो फिफ्थ हमारा गेम है वो है एक्शन गेम। यहाँ पे आपको कुछ बोलना नहीं है, खाली एक्शन करने हैं जो चीज़ें आप सिलेबस में कवर कर चुके हैं, लाइक कोई भी राइम्स के थ्रू या स्टोरी के थ्रू आपने उनको कुछ सिखाया है, कुछ एक्शन आप वो पूछ सकते हैं। लाइक आप सिर्फ ऐसे करेंगे, बताओ व्हाट आई एम डूइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, प्लेइंग। छोटे छोटे गेम हैं जिनको अप्लाई करके आप ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल गेम है, आपको डेफिनेटली ये ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आए हैं, वीडियो पसंद आई हैं, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।